धार पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह ने पत्रकार वार्ता रखते हुए बताया कि धार कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने गत वर्ष नौ दुर्गा उत्सव के दौरान हुए हत्याकांड के मुख्य आरोपी सहित तीन लोगों को पकड़ा। आरोपी पर कुल 15,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। रवि बतिस्ता ने अपने साथियों के साथ मिलकर पोचौपाटी क्षेत्र में रितेश मोगली की हत्या कर दी थी, जिसके बाद से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। रवि लगातार पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहा था। एसपी के निर्देशन पर दोनों अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के साथ क्राइम ब्रांच प्रभारी संतोष कुमार पांडे के नेतृत्व में टीम ने सफलता प्राप्त की। क्राइम ब्रांच प्रभारी संतोष कुमार पांडे को मुखबिर से सूचना मिली कि थाना धार का लिस्टेड कुख्यात फरार बदमाश रवि बतिस्ता काले रंग की पल्सर से मांडव नाका अपने साथी से मिलने आने वाला है। मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर धार क्राइम ब्रांच की टीम में पदस्थ राम सिंह गौड़, चंचल सिंह चौहान, संजय राम, आर बलराम, भवर हरेंद्र प्रताप सिंह चौहान एवं थाना कोतवाली में पदस्थ उप निरीक्षक समीर पाटीदार, भैरू सिंह देवड़ा एवं आर अरविंद ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए रवि बतिस्ता को पकड़ा। उसके पास से तलाशी के दौरान एक पिस्टल माइक कारतूस मिला, जिसका लाइसेंस होने पर नहीं होना बताया। आरोपी रवि के कब्जे से पिस्टल मौके पर जब्त की एवं उसके द्वारा लाई गई मोटरसाइकिल के संबंध में पूछताछ करने पर चोरी की होना बताया। टीम दोनों आरोपियों को पकड़कर थाना कोतवाली लाई, जिससे पूछताछ संयुक्त रूप से की गई। भारतीय न्यूज के लिए धार से डॉक्टर अली खान की रिपोर्ट। ये धार कोतवाली एवं क्राइम ब्रांच का जॉइंट ऑपरेशन था, जहां पे 302 का फरारी का जो काफ़ी टाइम से फरार था उसे पकड़ा गया है, रवि उर्फ बतिस्ता। इसे मांडू नाके से पकड़ा गया है और इसे कोतवाली और क्राइम ब्रांच की जॉइंट टीम थी जिसने पकड़ा है। और इसकी चेकिंग के दौरान इसके पास एक अवैध हथियार भी मिला है और उसी की निशानदेही पे और तीन हथियार जब्त हुए हैं और जो मोटरसाइकिल थी वो भी चोरी की थी। जो रवि है वो आदतन अपराधी है, इसके खिलाफ पहले भी कुछ मामले दर्ज हैं, तो उसकी भी कार्रवाई देखी जा रही है। इसके ऊपर 15,000 का इनाम था, 10,000 का इनाम थाना कोतवाली अंतर्गत जो 302 का अपराध था उसमें, और 5,000 का गंधवानी के अंतर्गत जो है उसमें। सचिन शर्मा।